कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सबका कल का दिन अच्छा रहा होगा। राखी सबने अच्छे से सेलिब्रेट करी होगी। आज यहाँ का दिन तो बहुत अच्छा है गाइस। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई, मौसम बहुत ठंडा है, अभी भी बहुत बादल हैं, बारिश हो सकती है। और भी हम मिलने आए हैं अपनी गाय से। गाय ने बछड़ा दिया है परसों, तो बहुत घर में खुशी का माहौल है। चेक करते हैं अपनी गाय को और बछड़े को कि सब ठीक है ना। गाइस गोरी गोरी इज ओके, हमारा बछड़ा इज ओके। बछड़ा खड़ा है यहाँ पे क्यूट सा। हेलो गोरी 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 छोटी सी थी 3 साल पहले जब हमारे घर में आई थी, तब से मैंने और गोरी ने बहुत टाइम स्पेंड किया साथ में। गोरी मुझे कुछ नहीं कहती, सब गोरी से डरते हैं। हेलो गौरी के बच्चे, ये है हमारा क्यूट बच्चा। हेलो गौरी, इसका नाम हम रखेंगे लियो। हेलो लियो लियो है गौरी की फर्स्ट बच्ची, इसका नाम हमने रख रखा है गिरी गिरी। ये है हमारी मल्लो, मल्लो हमेशा खाना खाती जाती है। तो गाइस हमारा लियो तो दूध पी रहा है। मौसम बारिश हुई है रात को अच्छी, अभी भी उस साइड बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी, तो उस साइड का मौसम थोड़ा वो दिख रहा है। जब मैं जाना कोर्ट में तो देखते हैं कि खाना रेडी हो गया क्या नहीं, उसके बाद खाना खाने के बाद नहा लूँगा और फिर तैयार होकर कोर्ट में चला जाऊँगा गाइस। खाना रेडी हो गया है, मम्मी रोटियों पे घी लगा रही है और हमारी आज बनी है पनीर की भुर्जी। कनु भी रोटी बना रही है। हेलो कनु, बेड पे मेरा खाना रखा है, तो चलते हैं खाना खाने गाइस। अभी हम खाएंगे खाना। ये है मेरा खाना, आ गया है लस्सी, जीरा लस्सी, पनीर भुर्जी, रोटी। हमारे ब्लॉग अपलोड हो रहा है, गेमिंग ब्लॉग, तो आप हमारा व्लॉग भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको गेम प्ले पसंद है तो मैं गेमिंग भी करता हूँ। तो देता हूँ खाना, आपसे मिलता हूँ फिर कोर्ट में। आज कोर्ट को दिखाता रहूँगा आपको, कोर्ट में जो भी होगा, कोर्ट का वर्किंग। कहाँ जा रहे हो? कितने दिन के बाद? पांच दिन की तो छुट्टी थी। जिक रहा है जानकर? शक्ल पे तो नहीं दिख, आज मैं आजाद हो गया हूँ पिंजरे से। आपकी शक्ल पे तो नहीं दिख रहा। पिंजरे से आजाद हो गया हूँ गाइस। रेडी? मेरा पेन बहुत हो गया। तो देख लो गाइस, मौसम खराब है आज का, लेकिन हम तो जाएंगे अपने कोर्ट में। वो रहे हमारे साधन जो हमें ले जाएगा हमें हमारी मंजिल तक। ये गाय का हरा, ये आ गई हमारी बाइक। चलते हैं गाइस कपड़ा मार के इस पे। काफ़ी लेट हो गया लंच करने में। कल राखी थी तो घर में इतनी सारी मिठाइयाँ आ गई, तो मैंने सुबह सुबह बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली, जैसे कि मेरा खाना खाने का फिर कोई मन नहीं था। अभी मम्मी ने मेरे को बहुत डांटा कि इतना लेट हो गया, अभी तक खाना नहीं खाया, ये वो। फिर अब मैं ज़्यादा मन तो नहीं करा, फिर भी थोड़ा खाना खा रही हूँ। फिर मैं थोड़ा पढ़ाई करने बैठ गई थी, फिर और थोड़ा लेट हो गया। एक बार थोड़ा पढ़ाई में बैठ जाओ तो फिर बीच में बार बार उठने का मन नहीं करता, अगर एक बार उठ गए तो उठ गए। फिर मेरे को लगा थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना खाऊंगी। और अभी हम कर रहे हैं लंच, बाकी सब तो खाना खा के सो चुके हैं। पापा काम पे जा चुके हैं और सारे भी कोर्ट जा चुके हैं और हम खाना खा रहे हैं। मम्मी सो रही हैं, मुझे खाना खाते खाते साथ में नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, तो
अभी थोड़ी देर कोई शो देखेंगे, लंच करेंगे, उसके बाद दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और 10 दिन बचे हैं सिर्फ, तो अभी तो नो रेस्ट ऑन स्टडी। मैंने सोचा है कि बहुत इन्जॉय हो गया, अब थोड़े दिन मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये है हमारा लंच, आज हमने बनाया था पनीर और मुझे बहुत पसंद है मीठी लस्सी, तो मैं तो लंच ब्रेकफास्ट जो भी हो मीठी लस्सी के साथ ही करती हूँ। और हम साथ में देखेंगे नेटफ्लिक्स। अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या कुछ नया स्टार्ट करूँ, एज सच मैंने कोई सीरीज तो स्टार्ट कर नहीं रखी, कुछ भी रैंडम हो तो मैं देख लेती हूँ इंटरेस्टिंग हो। साथ में पढ़ाई, अगर आप लोगों को कोई इंटरेस्टिंग मूवी या सीरीज़ पता हो तो प्लीज़ सजेस्ट मी, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी हमने रिसेंट मूवी देखी थी शादी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, सस्पेंस भी था थोड़ा, मर्डर मिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगी, बॉलीवुड की बाकी मूवीज़ से तो काफ़ी अच्छी थी। आजकल इतनी खास कोई मूवीज़ आ गई नहीं, बट ज़्यादा अच्छी लगी हमें, इसकी स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी थी। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं करती हूँ अपना लंच। सो कोर्ट में आज मैंने किया कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत काम, एक क्लाइंट नहीं आए थे तो उनकी दी थी एग्जेम्पशन। उसके बाद हम चले गए थे तहसील ऑफिस में, तहसील ऑफिस की भी फाइल थी आज, जो भी लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह के केसेस होते हैं वो तहसील में चलते हैं। और फिर हमारा कोर्ट का काम फिनिश हो गया था अराउंड 3 o'clock, तो फिर हम चल पड़े थे अपने चैम्बर की तरफ। तो बारिश की वजह से हर जगह पानी भरा हुआ था कोर्ट में, आप देख सकते हैं जहाँ पे बेंचेस वगैरह हैं लोगों के बैठने के लिए, वहाँ पे भी पानी भरा था। और आज इतना रश नहीं था, मे बी बिकॉज़ अभी इतनी सारी हॉलीडेज़ ख़त्म हुई है तो इसी वजह से। और आज आप देख सकते हैं कि कोर्ट के चैम्बर के आगे भी हर जगह पानी पानी भरा हुआ था, बहुत तेज़ बारिश हुई थी रात को, तो इट वाज लुकिंग गुड, लेकिन पार्किंग की जगह बिल्कुल नहीं थी। फिर हम अपने चैम्बर में आ गए, अब हमारे घर जाने का टाइम हो गया है तो चलते हैं घर पे। घर जाते जाते रास्ते में हमारी बाइक की चेन टूटी गई, कल हमारी बाइक की चेन निकल गई थी, हमने ठीक करवाई थी लेकिन ये टूट ही गई, तो हम इसको लेके गए मैकेनिक के पास, इसमें नया चेन सेट डलेगा तो वो डाल देगा, हमें इसको यहीं पे ड्रॉप करना होगा हमारी बाइक को। चार मैं बना रही हूँ मम्मी और दादी के लिए चाय, साइड भी कोर्ट से आ चुके हैं, आज उन्होंने खाना नहीं खाया, अभी खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं, कुछ हल्का फुल्का ही खाएंगे। इस टाइम हैवी खाने के बाद फिर डिनर में कुछ खाया नहीं जाता। मम्मी और दादी को इस टाइम 2 बार चाय चाहिए, मम्मी को चाय बहुत पसंद है, सुबह भी 2-3 बार चाय पीती हैं और इस टाइम भी कम से कम 2 बार चाय चाहिए। अभी मम्मी के लिए बन रही है चाय और हम देखते हैं स्नैक्स में क्या खाएंगे। चाय क्या खाओगे? बना लो कुछ हल्का सा, कल वो लेके आए थे वो बना लो। हे गाइस, तो बाइक का आपको पता ही होगा चेन टूट गई थी, तो खड़ी करके आया हूँ मैकेनिक की शॉप पे, वो एक कह रहा था कि आज शाम को देगा या कल सुबह। बाइक आज फिर खराब हो गई, एक काम करते हैं इसमें ना टमाटर प्याज डाल लेते हैं, नमकीन भी डाल, इसमें टमाटर प्याज डाल के खाएंगे, स्नैक्स हो बहुत जाएंगे टेस्टी, हमारे। बहुत टेस्टी होता है। तो आज का जो दिन था हमारा वो इतना अच्छा जा नहीं रहा था, लेकिन अब अच्छा हो जाएगा, अच्छा खाना खा के। टाइम फॉर गुड स्नैक्स गाइस, मैं चाय दे आती हूँ उसके बाद चाय भी टमाटर ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, पियोगे? मैं चाय नहीं पीता गाइस। लेकिन आपको खुशबू अच्छी लगती है।
अच्छी आ रही थी इसलिए पता नहीं क्या डाला है, इलायची। मम्मी ने भी तो चला दी थी। अब हमारी गोरी देती है दूध, अब हम गोरी का दूध पिया करेंगे। और अभी मम्मी निकालेंगी गोरी का दूध, और साथ में ये भी आज इनको दूध निकालना सिखाएंगे मम्मी। तो देखते हैं ये दूध निकाल पाएंगे या नहीं। ये इसका छोटा सा बच्चा जो 2 दिन पहले ही हुआ है, अभी पहले ये दूध पिएगा, उसके बाद गोरी का दूध निकालेंगे हमारे लिए। मेरे को तो गाय से बहुत डर लगता है। ये खुली है दूसरी गाय को, एक एक बेल उसकी खुली है, दूसरी बेल से उसको खुट्टे पे बांध रखा है, और एक छोटी सी ये है। और मम्मी को तो इनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये सबसे बड़ी गाय है गोरी, ये गोरी का नया बच्चा लियो, ये है गोरी की बहन मल्लो, और ये है गोरी की बड़ी बेटी गिरी, और ये है ये बॉय, इट्स अ बॉय, इसका नाम है लियो। अभी निकालेंगे दूध। मम्मी दूध तो ये सारा पी गया। प्यार से बोलो उसको। ये दूध नहीं निकाल, गोरी गोरी दूध नहीं निकालने दे रही। वो मम्मी कह रही है वो भूल गई दूध कैसे निकलवाते हैं। वो मम्मी को कुछ नहीं कहती और किसी को अपने पास नहीं आने देती। यो भी साथ में पीता रहोगा, आप भी निकालते रहोगे, यो साथ पीता रहोगा लियो। उसको पैम्पर करना पड़ता है गाय को दूध निकालते टाइम। गोरी को गुस्सा आ गया, मिशन फेल्ड। गोरी ने और किसी को दूध नहीं निकालने दिया, गोरी सिर्फ मम्मी को दूध देती है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आज सुबह तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, दोपहर में काफ़ी धूप आ गई थी, और अब फिर से अच्छा मौसम हो गया। बाहर तो काफ़ी ठंडक है। यहाँ पे हमारी गोरी गोरी का गार्डन, यहाँ पे वो घास खाते हैं और यहाँ पे वो पानी पीते हैं। जेसीबी, किसी को अगर जेसीबी बुक करानी हो तो करा सकते हैं, नंबर कमेंट्स में डाल देंगे। और ये कनु क्या कर रही है? कनु कर रही है वॉकिंग। इतना बड़ा प्लॉट ले रखा है कनु के वॉक के लिए, है ना कनु? मौसम खराब है, हमारा बादशाह अभी भी दूध पी रहा है, हमें तो गाय ने दूध निकालने नहीं दिया।
हाथ तो लगाने देती है, दूध नहीं निकालने देती। ठीक है ना, तो डेली ड्यूटी बन जाती दूध निकालने की। जो होता है भगवान अच्छे के लिए होता है। कहाँ से पढ़ा रहा था यहाँ पे गेमिंग, और पापा भी आ गए हैं, कैमरे में सब दिख रहा है। पापा गाड़ी अंदर कर रहे हैं और अपनी गेमिंग चालू है गाइस। तो हमारी बाइक मिल गई है, न्यू चेन सेट एंड इट्स रेडी टू गो। सर्विस भी करा ली हमने। हो गई है।